मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोणार्क उड़ीसा में बने सूर्य मंदिर की। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ खास बातें। कोणार्क दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कोण और अर्क। कोण का मतलब होता है किनारा या कोना और अर्क का मतलब होता है सूर्य। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा माना जाता है। यह कलिंग शैली में निर्मित मंदिर है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित मंदिर है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे विरंची नारायण मंदिर कहते हैं। इस मंदिर में 12 जोड़ी चक्र और 7 घोड़े बने हुए थे। वर्तमान में सिर्फ एक घोड़ा शेष बचा हुआ है। इस मंदिर में सूर्य देव की 3 प्रतिमाएं बनी हुई हैं, एक बाल्यावस्था की, एक युवावस्था की और एक प्रौढ़ावस्था की। मंदिर के द्वार पर दो शेर दो हाथियों के ऊपर आक्रमण करते हुए दिखाए गए हैं, जो मंदिर की रक्षा का संकेत दिखाते हैं। इस मंदिर के निर्माण के पीछे की पौराणिक कहानी है कि भगवान कृष्ण के पुत्र श्याम को कुष्ठ रोग हुआ था और उन्होंने कुष्ठ रोग से निवारण के लिए 12 वर्षों तक यहीं कोणार्क में तपस्या की थी सूर्यदेव की, और सूर्यदेव से उन्होंने अपने रोग का निवारण करवाया था। जब उनका रोग मिट गया था तो उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया, और जब यहाँ पर एक नदी बहती थी चंद्रभागा, उसमें स्नान करते वक्त एक सूर्यदेव की मूर्ति मिली थी, जो विश्वकर्मा भगवान ने बनाई हुई थी, और उस मूर्ति को इन्होंने इसी मंदिर में स्थापित करवा दिया था। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर नट मंदिर बना हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर का सूर्य मंदिर कोणार्क के बारे में कहना है कि इस कोणार्क की जो पत्थरों की भाषा है वो मनुष्य की भाषा से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यहाँ इस मंदिर में कई कामुक मुद्राओं वाली पाषाण कला मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जिसके लिए भी यह मंदिर जाना जाता है। इस मंदिर में पहले 3 मंडप बने हुए थे, इसमें से 2 ध्वस्त हो चुके हैं और सिर्फ वर्तमान में 1 बचा हुआ है। और इस मंदिर के नष्ट होने के पीछे 2 कारण बताए जाते हैं, एक मुस्लिमों का आक्रमण और दूसरा वास्तु दोष। इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि इस मंदिर के शीर्ष पर एक चुंबक रखी थी, जो बहुत ही शक्तिशाली थी, जो निकट समुद्र में चलने वाली नावों को आकर्षित कर उन्हें ध्वस्त कर देती थी, और इसका पता चलने पर इन्हें लोगों ने चुरा लिया था। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और एक बार शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड थैंक यू।